दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है टाटा सुमो ग्रैंड। इसमें डाइकोर इंजन लगा हुआ है 2.2 लीटर, जो सफारी में आता है वही इंजन इसमें है। ये गाड़ी तीन चार जगह जाके फाइनली मेरे पास आई है। कस्टमर का कहना है कि तीन महीने से ये गाड़ी लेके ये गैरेज में उस गैरेज में घूम रहा है, किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी में एक DTC जनरेट होता है और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अगर वो DTC स्कैनर से निकाल दिया तो गाड़ी स्टार्ट होती है, चलती है अच्छी, लेकिन जब इंजन ऑफ करते हैं और फिर से इंजन चालू करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। मैं अभी आपको स्कैनर में स्कैन करके दिखाता हूँ। इसमें अभी चेक इंजन लाइट जनरेट हुई है, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी अभी DTC स्टोर है। टाटा में जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं सुमो, और ये गाड़ी सुमो ग्रैंड है। DCM 3.2 इसमें ECM है डेल्फी का, ट्रबल कोड्स, और देखो यहाँ P1604 ECU RAM कैलिब्रेशन, ये DTC आ रहा है इस गाड़ी में और इसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अभी ऑटोमेटिक स्कैन में स्कैन करके देखते हैं। इंजन फेल्योर में वही DTC है। इस DTC का क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है वो देखेंगे। तो यहाँ इस फॉल्ट का डिस्क्रिप्शन आया है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में ECU का अर्थिंग ब्रीथिंग चेक करो ये सब आया है। ये सब करके देखा है दूसरे गैरेज में, इसके पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस DTC को मैं डिलीट करता हूँ। तो देखो अभी कोई कोड नहीं है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट हो गई है। RPM मीटर में देखो काटा 900 तक आ गया है। अभी मैं इंजन को ऑफ करता हूँ। जैसे ही हम गाड़ी ऑफ करते हैं, गाड़ी को लॉक करते हैं और फिर से आके गाड़ी स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं, तो देखो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी क्योंकि वो DTC अभी आ गया है। फिर से स्कैन करके देखते हैं फिर से। तो देखो स्कैनर में वही DTC P1604 ECU RAM कैलिब्रेशन, यही DTC फिर से आ गया है, इसके लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये तो कंफर्म हो गया कि इसका ECM फॉल्टी है। तो खोलते हैं बॉनेट को और बढ़ते हैं ECM की तरफ। ये है ECM इस गाड़ी का। कस्टमर का कहना है कि तीन महीने पहला इस गाड़ी का फ्यूल पंप का काम हुआ है, तब से ये गाड़ी में प्रॉब्लम आया है। तो निकालते हैं ECM को और यहाँ ECM शॉप में लाया। अभी खोलते हैं इसको और चेक करते हैं कोई फिजिकल डैमेज है इसमें, कोई बर्निंग जैसा और पानी गया जैसा कुछ है क्या देखेंगे। डेल्फी का ECM है ये। इस ECM को पहला की टैग से रीड करके देखते हैं, क्योंकि मैंने इस ECM को पूरा चेक किया तो कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, कोई पानी बीनी नहीं गया इसमें। इसके मेमोरी IC में एक क्लस्टर साइड में फॉल्ट है, इसके लिए ये DTC आ रहा है। तो पहला हम इसको की टैग से फुल रीड करेंगे।
यहाँ हम की टैग में डेल्फी डीसीएम 3.2 संयंग में ले लेते हैं, तो इसमें ये ईसीएम रीड करेगा। की टैग रीड कर रहा है, अभी मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और 99% होने के बाद फिर से दिखा दूँगा। रीडिंग सक्सेसफुल्ली कंप्लीट हो गया। अभी ये फाइल को नाम देने के लिए पूछ रहा है और यहाँ फाइल को हम नाम देते हैं टाटा सुमो ग्रैंड। और करते हैं सेव। यहाँ पूछ रहा है अलग अलग फाइल चाहिए कि एक फाइल चाहिए, मैं यहाँ यस कर देता हूँ ताकि फाइल्स सेपरेटली सेव हो जाए। तो यहाँ मैंने एक सेकेंड हैंड ईसीएम लाया, ये गाड़ी का फॉल्टी है और ये साइड में ओके जो लिखा है ये सेकेंड हैंड लाया है मैंने। अभी इसके ओरिजिनल फाइल्स मैंने कॉपी करके रखे थे बैकअप में, ये फाइल्स सेकेंड हैंड ईसीएम में डाल देते हैं। ये सेकेंड हैंड ईसीएम मैंने गाड़ी में लगा के देखा है, गाड़ी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि ये ईसीएम कौन सा गाड़ी का है ये मुझे मालूम नहीं है, सफारी का भी हो सकता है और किसी गाड़ी का भी हो सकता है, फाइल्स ये अलग है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अभी मैं जो इसमें से फाइल्स मैंने कॉपी करके रखे थे वो फाइल्स मैं इसमें डाल देता हूँ। दोनों ईसीएम में मैंने कनेक्टर सोल्डर करके रखे है रीड और राइट करने के लिए। इस ईसीएम में जो प्रॉब्लम है वो इस आईसी में है, ये मेमोरी आईसी है, इस मेमोरी के आईसी के कुछ पार्ट में मेमोरी फॉल्टी हो गई है, इसके लिए ये कोड आ रहा है। ये आईसी तो ढूंढना मुश्किल है, इसके लिए हम ईसीएम ही बदल देते हैं। तो अभी हम सेकेंड हैंड ईसीएम में फाइल्स राइट कर देते हैं जो हमने बैकअप करके रखे थे वो इस कीटेक से, और ये कनेक्टर भी मैंने लगा दिया है। सेम प्रोसेस है, जैसे रीड करते हैं ऐसा ही राइट कर देना होता है। तो राइटिंग का वीडियो मैं यहीं कट कर देता हूँ। ईसीएम राइट हो गया, अभी मैं मेरा कैन वायरिंग इसको लगा देता हूँ और स्कैनर में स्कैन करके दिखाता हूँ वो कोड अभी इस सेकेंड हैंड ईसीएम में भी चला आया है या नहीं है। मैंने अभी मेरा कैन बॉक्स कनेक्ट कर दिया है, ये ईसीएम गाड़ी में जो था वो ईसीएम है। पहला मैं ये ईसीएम स्कैन करके दिखाता हूँ। तो करते हैं स्कैन, इंडिया टाटा में जाते हैं और यहाँ सुमो सेलेक्ट करते हैं 3.2, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट और रीड ट्रबल कोड्स। तो यहाँ बहुत सारे ट्रबल कोड्स है क्योंकि ये ईसीएम अभी गाड़ी में कनेक्ट नहीं है, बाहर कनेक्ट किया है, इसलिए बहुत सारे ट्रबल कोड दिखा रहा है। हमारा जो मेन डीटीसी कोड था P1604 वो अभी भी इस पुराने ईसीएम में है, लास्ट में दिखा रहा है। सो ये पुराने ईसीएम में ये कोड अभी भी है और ये कोड जाएगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। मेरा एक कैन केबल से मैंने कनेक्ट किया है ईसीएम। अभी मैं जो सेकेंड हैंड ईसीएम लाया उसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ये कनेक्शन वायर लगाए है, निकाल देता हूँ और उस ईसीएम में लगा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड हैंड ईसीएम में कैन के वायर्स लगा दिए, ये कनेक्टर मैंने यहाँ सोल्डर कर दिया था फाइल्स राइट करने के लिए कीटेक से। तो अभी ये सेकेंड हैंड ईसीएम स्कैन करते हैं। इस ईसीएम में भी बहुत सारे ट्रबल कोड पड़े हैं क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है गाड़ी में, और इसमें अभी हम ढूंढते हैं हमारा वो कोड जो P1604 आता था इसमें भी है क्या नहीं। तो देखो इस ईसीएम में वो हमारा कोड जो P1604 दिखाता था वो गायब हो चुका है, इस ईसीएम में नहीं आ रहा है,
क्योंकि इस ECM की मेमोरी IC बराबर है, इसलिए वो कोड अभी इस ECM में नहीं आ रहा है। अभी सील कर देते हैं इस ECM को इस RTV से और लगा देते हैं गाड़ी में। ECM लगा दिया और गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। चाबी डाल देते हैं इग्निशन में। यहाँ सर्विस करके लाइट आती थी, वो आके चली गई। इसका मतलब अभी कोई DTC नहीं है ECM के अंदर, तो गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट हो गई। RPM 900 के ऊपर आ गया। अभी मैं दिखा देता हूँ लॉक करके और फिर से अनलॉक करके गाड़ी स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं। तो देखो गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। फाइनली एक बार स्कैन करके देखते हैं, कोई DTC तो जनरेट नहीं हुआ है ECM के अंदर। तो देखो नो ट्रबल कोड्स, कोई DTC जनरेट नहीं हुआ है ECM के अंदर। और एक बार दिखाता हूँ, तो देखो नो ट्रबल कोड्स। इंजन ऑफ करते हैं और एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो रही है भाई, अपना काम सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।